उत्तर प्रदेश में 2022 को चुनाव को लेकर के जहां सभी पार्टियां अपनी दमखम लगाने में लगी हैं, वहीं अगर रायबरेली की बात की जाए जो कि कांग्रेस का गढ़ कहा जाता है, वहां भी समाजवादी पार्टी ने अपनी कमेटी को तैयार करने में लगे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए पारवी वाजपेयी हैं, इनसे हम जानते हैं कि आखिर समाजवादी पार्टी 2022 को लेकर के किस प्रकार की तैयारियाँ करें। पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई बनाया गया, और अगर देखा जाए तो 2022 को लेकर के किस प्रकार समाजवादी लड़ाई लड़ने की तैयार हुई। देखिए, अभी हाल ही में हुए ब्लॉक रुपया जिला पंचायत के चुनाव में जिस तरह से सरकार ने धांधली कर करके सीटों में कब्जा करने का काम किया, इसी चुनाव से हम सभी समाजवादी पार्टी के पदाधिकारियों ने, कार्यकर्ताओं ने, माननीय नेताओं ने, जिलाध्यक्ष जी ने, विधायक, पूर्व विधायक, सांसद जी ने सब तरीके से तैयारी कर ली है। और ये जो चुनाव हुए हैं इसमें जिस तरह की धांधली किए हैं, ये जनता से जुड़े नहीं, थोड़ा सा वोटरों से जुड़े हुए हैं। जो जनता से सीधा जुड़ा हुआ था चुनाव था, चाहे जिला पंचायत सदस्य का रहा हो, चाहे वो BDC का रहा हो, चाहे प्रधान का रहा हो, उसमें समाजवादी पार्टी ने बढ़ चढ़ करके अपनी जो है जीत दर्ज की थी। और हम पदाधिकारी लोग, संगठन के लोग आगे भविष्य में भी 2022 के चुनाव में पूरी तन मन धन से, पूरी लगन से समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष को मुख्यमंत्री बनाएंगे और पूरे जिले में 6 की 6 सीटों पर समाजवादी पार्टी का विधायक जिता करके लाएंगे। ये संगठन में और कार्यकर्ताओं ने पूरा ठान लिया है, मान लिया है, ये पूरा होना। अगर समाजवादी पार्टी की बात की जाए, बीते दिनों जिला पंचायत अध्यक्ष के भी चुनाव हुए और ब्लॉक प्रमुख के भी चुनाव हुए, किस तरह की कमेटी तैयार की जा रही है, किस तरह की जो है तैयार किया जा रहा है ताकि 2022 में समाजवादी। देखिए, समाजवादी पार्टी ने ब्लॉक पर और बूथ तक की पूरी कमेटी का गठन कर लिया है। जो लोग रह गए हैं उनको भी धीरे धीरे समाजवादी पार्टी के संगठनों में समायोजित करने का कार्य जिला अध्यक्ष आदरणीय वीरेंद्र यादव जी की तरफ से किया जा रहा है। आज मुझको भी नई नियुक्ति मिली, आज मुझे जो है समाजवादी पार्टी का जिला सचिव नियुक्त किया गया है। इससे पहले पूर्व में मैं नगर अध्यक्ष के पद पर थे, आज मेरा प्रमोशन करते हुए मुझे जिले का सचिव नियुक्त किया गया है। और इसी तरह जो है हमारे जिला अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के वीरेंद्र यादव जी आगे भी लोगों को जोड़ करके समाजवादी पार्टी को ज़्यादा से ज़्यादा मजबूत करने के लिए कार्य कर रहे हैं और हम सब लोग उनके साथ पूरी निष्ठा ईमानदारी से समाजवादी पार्टी के प्रत्येक विधानसभा पर जा करके प्रत्याशी को जिताने का पूरा कार्य करेंगे। तो हमारे साथ बातचीत मित्र पारवी वाजपेयी थे, जिन्होंने बताया कि रायबरेली में भी समाजवादी पार्टी ने अपनी कमेटी का गठन कर लिया है, इनका भी प्रमोशन किया गया। तो कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में 2022 के चुनाव को लेकर के समाजवादी पार्टी दमखम से लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हुई है।